6 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर एयर बेसेस पर बॉम्बिंग शुरू कर दी और उस वक्त हमारे पास नाइट कैपेबल फाइटर जेट्स थे ही नहीं, जिसका फायदा उठाते हुए 6 और 7 सितंबर की रात को पाकिस्तान के C-130 हारक्यूलस जहाज भारतीय सीमा के अंदर घुस आए। भारत के इन तीनों एयर बेसेस के आसपास 60-60 के ग्रुप में पाकिस्तानी कमांडोज को एयर ड्रॉप किया गया, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी क्योंकि आसपास के गांव वालों ने उन्हें देख लिया था और तुरंत भारतीय सेना को इसकी खबर कर दी। लेकिन भारतीय सेना के आने से पहले ही पुलिस, गांव वाले, एनसीसी कैडेट्स और खच्चर चलाने वालों ने उन पाकिस्तानी कमांडोज को दर दबोचा, जिसके बाद 180 पाकिस्तानी कमांडोज में से 138 ने तो वहीं पर सरेंडर कर दिया। बचे हुए 42 किसी तरह पाकिस्तान वापिस भागने में सफल रहे।